બા નાજવી પિતારી છે તે પારી ભી રેતે દેતા હા હા फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आज चालू है साफ सफाई फ्लावर्स की, फ्लावर पॉट की, ये सब मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया था ये बार, नहीं तो महीने में एक बार करती हूँ। तो सुबह सुबह में पानी आ रहा था तो मैं सोची, और आज टाइम भी था थोड़ा, सुबह में जल्दी उठी थी तो मैं सोची चलो ठीक है आज ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि हमको बैठने की आदत नहीं होती है ना कहीं ना कहीं से काम ढूंढ के निकाल ही लेते हैं। तो फ्लावर्स धुल के रख दिए थे, सूख गए थे, तो मैं यहाँ पे शावर लेके भी आ गई हूँ, पूजा हो गई है तो ये सूखे हुए थे, तो मैं सोची यहाँ पे इसको सब रख देती हूँ जो जहाँ पे था, नहीं तो फिर आरुष के हाथ लगेगा तो एक दो तो तोड़ ही देंगे वो उनके हाथ में लगने से पहले मुझे ये रखना था। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आरुष बहुत अच्छे होंगे। और आरुष अभी अभी सो के उठे हैं, आरुष ने ब्रश भी नहीं किया है, नहाया भी नहीं है, तो काम हो गए हैं सारे। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि बोलो आप भी बोलो, हैप्पी रिपब्लिक डे बोलो, बोलो अभी बोलो। अभी नींद में है तो वो समझ में नहीं आएगा, तो हो गया है काम। और नाश्ते में बन रहा है आज पोहा, अरे छोटो, तो चलो मैं बना लूँ अभी रंगोली। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे पोहा बनाई हूँ, पोहा बन गया है तो अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और इसके बाद मार्केट जाना है, थोड़ा सब्जी वगैरह लेके आना है, और आरुष को तिरंगे वाला टी शर्ट पहनना है, तो वही सब जाना है लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं सरसों का साग बनाने वाली हूँ, तो उसको रख दी थी बॉयल होने के लिए, और आने के बाद फिर मैं बनाऊँगी। मशीन है मेरा ख़राब हुआ है, और ख़राब किसने किया है, ऐसा बाल बना थे आरुष ने मशीन ख़राब किया है मेरा, एक बार यही ख़राब किए थे तो बनवा के लाई थी, और देखो वापस से ख़राब कर दिए, उसमें का एक एक स्क्रू निकाल के मेरा इधर जाली से बाहर फेंक देते हैं, इतना भी क्या हेयर स्टाइल बना रहे हो आरुष, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, वो तुम्हारे ऐसे बिखरे हुए बाल बनते ना, अच्छा ख़राब हो गया, जाओ मैं बजा के आऊँ, फटोफट से जाके आऊँ। और आज कौन आ रहा है? ये सिलाई मशीन दे दो, आपने खराब किया है बनाने के लिए, और थोड़ी सब्जी लेके आओ। मम्मी बैग बोरा में एक बार ना जब भी पिताजी छे तो पारी भी लेके गया था। अच्छा ठीक है, फूल लेगा तो लाती हूँ, पिचकारी यार इसको चाहिए। होली आ गई होती है गांव से, अरे गांव से ला, नहीं नहीं इधर से लाती ना, स्टेशन पर मिलेगा अभी, नीचे से आवाज आ रही है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ कप, देखी तो अंकल लेके बैठे थे यहाँ पे, मैं जब भी लेती हूँ इनसे ही लेती हूँ, क्योंकि ये लोग गांव से लेके आते हैं और शॉप भी नहीं होती तो ऐसे ही रोड पे लेके बैठते हैं धूप में, तो इसके लिए मैं ज़्यादातर यहीं से लेती हूँ सब्जी वगैरह भी, और ये सब भी कप तो मैं ये अंकल से ही लेती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे अब सब्जी ले रही हूँ मैं, इसके बाद जाऊँगी घर। अरे
तो शॉपिंग करके आ गए हम लोग। ये लेके आई हूँ तिरंगा और ये बलून, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन और नेल पेंट, एक नेल पेंट और कप भी है सेम पैटर्न में, दो जोड़ी लिया क्योंकि वैसे भी कोई ज़्यादा दिन चलता नहीं है, महीने भर जाते जाते टूट ही जाते हैं, तो यही मुझे अच्छा लग रहा था, बाकी के अच्छे नहीं लग रहे थे। और ये पैंट है ये अदिति के लिए और ये टी शर्ट है टाइप वाला बॉयज का टी शर्ट है, बट अदिति के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, वो येलो कलर का एक है पहनती है बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ले लिया इनके लिए। मैं ये पहन लूं और रुको ना बेटा दिखाने दो पहन लो। और अरुष को ज़रूरत नहीं थी बट अगर नहीं लेते तो फिर उनको रोना आता कि अदिति के लिए ले रहे मेरे लिए नहीं, तो ये टी शर्ट सिर्फ एक अरुष के लिए। और एक ये प्लाजो है अच्छा लग रहा है मुझे तो बहुत पसंद आया, मीठा के लिए भी खरीद लेते ना पर नहीं था पापा के लिए। और ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा लगा, ये पापा के लिए कुछ भी नहीं बचवाए, ये और ये दोनों अगर बड़ा साइज होता तो मैं ले लेती। और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। मम्मी दोनों हो गए, ओह माय गॉड, कुछ भी नहीं बना है। मम्मी गिव मी दिस फास्ट एंड देन बैग, नो नॉट दिस। सिर्फ वही मूल्य सरसों का साग बॉयल करने के लिए रख के गई थी, अभी कुछ भी नहीं बना है और अभी वो लोग आ भी रहे और उसके दादू और चाचू, तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, ये सब बाद में करूँगी। तो देखो आया नहीं कि ये लोग भी मेरे पे ही गए हैं, मतलब कपड़े आते नहीं घर पे कि पहनना होता है, आदिति खुश हो गई है। तो अभी मैं आ गई हूँ और फटाफट से बना लेती हूँ लंच क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है और सबको भूख लगी है, वो लोग भी आ गए हैं, तो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ किसी और दिन शेयर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। यहाँ पे दे रही हूँ मैं पानी और पानी में दे रही हूँ गुड़ के साथ में, वो यही सब खाने के लिए पापा गांव जाते हैं, निमोना और घुघरी और गुड़ ये सब खाने के लिए वो गांव जाते हैं, तो यहाँ पे जब भी आते हैं मैं सब्ज़ी वगैरह उनके ही पसंद का बनाती हूँ। और ये दाल देखिए इतनी थिक बन गई है, अगर ये ठंडी होएगी तो पूरी जम जाएगी, तो उसमें मैं तड़का लगा दे रही हूँ। और अब बना लूँगी मैं रोटी, तो आरुष के तो मज़े हो गए खेल रहे हैं, अब जब तक रहेंगे उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, खिलौने की ज़रूरत नहीं होगी, उनके साथ ही दादाजी के साथ अपने खेलते रहते हैं। तो लंच बन के रेडी हो गया है, अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्लेट्स आरुष की और पापा की, वो लोग का हो जाएगा फिर इसके बाद हम लोग करेंगे लंच। हैं नीचे गए हैं, इतना हम लोग नहीं जाने देते हैं, पर आगे देखो कौन है, आरुष है क्या? अभी बज गए हैं शाम के 7:45, तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और पूजा हो जाएगी फिर इसके बाद मैं चाय बनाऊंगी, तो ये लोग नीचे जाने वाले हैं, चाय पी के फिर जाएंगे नीचे, थोड़ा टहल घूम के आएंगे सब। बाहर गया फिर? आओ जल्दी कपड़े चेंज करो, जल्दी आओ आरुष,
और अभी बन रहा है देखो यहाँ पे डिनर, और डिनर में है दाल राइस रोटी और सब्जी। और आरुष के चाचू को नॉनवेज खाना है तो उनके लिए नॉनवेज भी बनाना है, इसके लिए मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं किचन में क्योंकि काम ज़्यादा था। तो चलिए फिर करती हूँ ब्लॉग का यहीं पे एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।